हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शीतल। आई एम फर्टिलिटी एंड IVF कंसल्टेंट एट वेदा के फर्टिलिटी। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट मेडिकेशंस आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो अबाउट द मेडिकेशंस पोस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एंड टेक देम प्रॉपरली, बिकॉज ये बात हमें समझनी होगी कि IVF में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र दो पर्टिकुलर सिचुएशंस होते हैं। एक होता है फ्रेश साइकिल, दैट मीन्स जिस साइकिल में आपको इंजेक्शंस देकर के आपके एग्स निकाले गए हैं, इन द सेम मंथ एम्ब्रियोज बना के ट्रांसफ़र हो रहे हैं। एंड सेकेंड होता है फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, दैट मीन्स एग्स निकालने का और बेबी बनाने का काम पहले हो चुका है और इन अ लेटर मंथ, ओके, आफ्टर दैट 1 or 2 months के बाद आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्लान कर रहे हैं, जिसे फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। नाउ जब फ्रेश साइकिल में आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, फिर भी बॉडी की तरफ से इंटरनली कुछ हॉर्मोन्स का सपोर्ट मिल रहा होता है एम्ब्रियो को इम्प्लांट होने के लिए और ग्रो होने के लिए। डेफिनेटली वो सपोर्ट सिग्निफिकेंटली नॉर्मल नहीं होता है, कम ही होता है, बट स्टिल होता है। बट जब आप फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, जिसमें किसी और साइकिल में एम्ब्रियो निर्माण किए गए थे, और इस साइकिल में आप सिर्फ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करा रहे हैं बाय प्रिपेयरिंग योर एंडोमेट्रियम विद सम मेडिकेशन, तो दिस साइकिल में इंटरनली किसी भी किस्म का हॉर्मोनल सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक एवरी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर ऑन टाइम इन प्रॉपर डोज, क्योंकि यदि आप उन्हें मिस करते हैं तो बेबी को चिपकने के लिए और ग्रो होने के लिए जो हॉर्मोनल रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे होते हैं। So in nutshell, I'm going to tell you about the details about these medications. So most common medication जो post embryo transfer दी जाती है, जो सबसे ज़रूरी होती है, that is progesterone hormone. चाहे stimulated fresh cycle का fresh embryo transfer हो या frozen embryo transfer हो, दोनों ही cycles में body की तरफ से progesterone hormone की कमी होती है, जिसे हम luteal phase defect कहते हैं। सो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को प्रॉपर डोसेज में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ फर्टिलिटी कंसल्टेंट्स इंजेक्शंस देना प्रेफर करते हैं प्रोजेस्टेरोन के, कुछ फर्टिलिटी कंसल्टेंट्स मेडिकेशन फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में देना या जेल फॉर्म में देना पसंद करते हैं, और समटाइम्स इनका कॉम्बिनेशन भी प्रेफर किया जाता है। प्रोजेस्टेरोन इन प्रॉपर डोसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं होगा, ग्रो नहीं करेगा। सो जैसे आपको एडवाइस किया गया है प्रॉपर डोसेज में उसे लें। प्रोजेस्टेरोन के अलावा फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र साइकिल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन को भी एक एडिक्वेट मात्रा में दिया जाता है, जो बैलेंस बना के रखती है एंडोमेट्रियम के ग्रोथ का और एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन होने में। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन टू बी गिवन इन फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र साइकिल्स। सो अगेन डोसेज हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। ये हैं दो मेन मेडिकेशंस, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। पर इनके अलावा कुछ सपोर्टिव मेडिसिन भी देते हैं जो बहुत ज़्यादा यूजफुल सिद्ध होते हैं। जैसे गर्भ का ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए एकोस्प्रिन नाम की टैबलेट दी जाती है, विच इज़ एस्पिरिन। उसके अलावा एडिशनली लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन कई कंसल्टेंट्स इंक्लूडिंग मी देना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इससे हमें डेफिनेटली हमारे रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट मिलता है। एंड एडिशनली एल आर्जिनिन कंटेंट एक होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट, जो काइंड ऑफ अमाइनो एसिड है रादर हम कहेंगे, जिसे भी दिया जाता है, जो पाउडर फॉर्म में आता है, वाटर में डिजोल्व करके पेशेंट को डेली कंज्यूम करने के लिए कहा जाता है। इकोस्प्रिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन एंड दिस आर्जिनिन टुगेदरली वूम का ब्लड सप्लाई इंप्रूव करते हैं। सो इन्हें एज अ सपोर्टिव मेडिसिन देना बहुत से फर्टिलिटी कंसल्टेंट इंक्लूडिंग भी प्रेफर करते हैं। एडिशनली अपार्ट फ्रॉम दिस आता है दी प्रोबायोटिक्स। देर आर गुड नंबर ऑफ स्टडीज विथ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेटा, ये प्रूव करते हैं कि यदि फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में हेल्दी बैक्टीरियाज, जो वुमेन के बॉडीली कमन सेल्स होते हैं, हेल्दी बैक्टीरियाज का क्वांटम अच्छा पाया जाता है, तो एम्ब्रियो के इम्प्लांट होने का और ग्रोथ होने का चांस बहुत बेटर होता है, और इन टर्न वो IVF का सक्सेस रेट बढ़ाता है। सो इसीलिए प्रोबायोटिक्स दिया जाता है एडिशनली, जो पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि इसे ज़रूर से लें। इन एडिशन टू दैट एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट जैसे हम अपने शरीर के लिए विटामिंस लेते हैं, बोलते हैं हमें वीकनेस लग रही है, वी टू का विटामिन कोर्स, सिमिलरली एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं विटामिन का गर्भ के लिए, गर्भ के इंटरनल एनवायरनमेंट को काफ़ी इम्प्रूव करते हैं, किसी किस्म की नेगेटिविटी वहाँ पे क्रिएट नहीं होने देते हैं, जो फ्री रेडिकल इंजरी के नाम से मेडिकल टर्म्स में जानी जाती है, वो नेगेटिविटी को डिसॉल्व करते हैं, एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करते हैं। अगेन एंटीऑक्सीडेंट कंजम्पशन एम्ब्रियो को इम्प्लांट होने में मदद करता है। सो दीज आर द बेसिक मेडिकेशंस विच आर गिवन आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। इन शॉर्ट एडिशनल कुछ एडिशनल मेडिसिन पेशेंट के डिसीज प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए कुछ स्पेसिफिक मिसलेनियस दवाइयाँ भी रह सकती हैं,
जैसे यदि कोई पेशेंट थायराइड का पेशेंट है तो उसके एडिशनल थायराइड मेडिकेशंस रहेंगी, डायबिटिक्स में वो एडिशनल मेडिकेशंस रहेंगी, तो स्पेसिफिक टू दैट डिसीज प्रोसेस तो मेडिसिंस रहेंगी, बट इन ऑल इन नियरली एवरी पेशेंट दीज एडिशनल मेडिकेशंस विल बी देयर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्ब्रियो ग्रोथ एंड इम्प्लांटेशन। सो इस पर आप ज़रूर ध्यान दें, इन्हें बकायदा समय पर परचेस करें एंड पॉसिबली जो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है उस क्वालिटी को अबाइड करें, वो भी आपको हेल्प करेगा बेहतर रिजल्ट्स पाने में। सो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट ऑल द मेडिकेशंस गिवन आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफर। यदि इनसे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। और अगर आप किसी और टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं तो वो भी हमें ज़रूर सजेस्ट करें, वी विल बी वेरी हैप्पी टू फाइंड योर सजेशंस। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।